एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली ओके। और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे हॉल्स और बहुत सारे DIY लेके आने वाले जो आपके स्किन को काफ़ी नरिशिंग कर दे, आपके स्किन केयर में काफ़ी हेल्पफुल होगी। और सारी होम रेमेडीज़ है ताकि आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब आपको किचन में मिल जाएगा। किचन में ना मिले तो ग्रॉसरी दुकान में मिल जाएगा आपको। आराम से जाओ, आप खरीदो और यूज़ करके देखो, ओके। वो सब तो अलग बात है। अभी मैं आपके लिए हेयर सीरम लेके आई हूँ जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा, मैं देख रही थी उसका, मुझे लग रहा था काफ़ी लोग परचेस कर रहे, पर मुझे खुद भी लग रहा था कि वो मतलब अच्छा है या नहीं है। मैं सोचा कि मैं खुद भी खरीद लेती क्योंकि मुझे अपने हेयर के लिए भी एक सीरम का ज़रूरत था, तो मैं इसलिए इसे खरीद ली हूँ। अब मैं इसका बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये है लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर सीरम है। ये ऑयल बेस्ड सीरम है और ये मुझे कुछ इस तरह से पैकेजिंग मिला है। मैंने इसके ऊपर का पैकेजिंग हटा दिया, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया था और ये 100 ml का है। ये देखिए 100 ml का है और इसका प्राइस मुझे पड़ा 423 या 425 रुपीज़ पड़ा है। इसका लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इतना दिन आपने पेशेंसली मेरा साथ बनाए रखा, प्लीज़ थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आइए देखते हैं चेक करके कि ये जो दिखाता है वैसा है या नहीं। बट मैंने इसका काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ देखा था, बट और एक जगह अच्छा था और दो तीन जगह ऐसा लगा मुझे नेगेटिविटी था, लेकिन मैं सोची कि एक बार खुद से मैं यूज़ करके देखती हूँ। तो आइए देखते हैं। मैंने इसे अभी तक यूज़ नहीं किया एक बार भी। ये देखिए कुछ इस तरह का बोतल इसका दिया है, ग्लास का बॉटल है और यहाँ पर यहाँ पंप दिया हुआ है, आप इसे निकाल सकते हैं आराम से। और मैंने अभी तक अपने बाल को ना, मैंने आज शैम्पू किया इसलिए मैंने इसे ये एक बार भी कोम नहीं किया है आज। वैसे भी मैं ड्राई हेयर को कोम करती हूँ, वेट हेयर को बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वेट हेयर को अगर कोम करने से ना ज़्यादा बाल टूटते हैं, और आप ड्राई हेयर को जब कोम करोगे ना तो आपका बाल कम झड़ेगा। इसलिए इस बात को भी आप हमेशा एज अ टिप आप ख्याल रख सकते हैं ताकि आपका बाल हेल्दी रहे और ग्रोइंग रहे। और अब मैं इसे यूज़ करके देखती हूँ क्योंकि हल्का सा वेट बाल में ही लगाना है, तो मेरे अंदर का बाल हल्का हल्का भींगा हुआ है। मैंने आधा बाल को सुखा लिया, आधा भींगा हुआ, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था इसीलिए मैंने पूरा बाल को गीला नहीं रखा है। और आप हल्का गीला बाल में अगर लगाओगे तो मुझे लगता है ज़्यादा असरदार होगा। अगर कोई इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो, लाइक आप कर्लिंग कर रहे हो या स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, उससे पहले यूज़ करके मुझे लगता है कोई भी सीरम आप यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छा रहता है। आइए मैं इसे यूज़ करके बताती हूँ कि इसका रिव्यू जो मुझे देखा मैंने और जो मैंने इसे लेने से पहले वहाँ पर पढ़ा, वो कितना नेगेटिविटी और कितना पॉजिटिविटी, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे ले रही हूँ। हाँ, ये तो खुल ही नहीं रहा, मैं सॉरी, मैंने तो इसे खोलना ही मैं भूल गई। इसे हल्का सा आप रोटेट करो, ये खुल जाएगा। ये देखिए ये कुछ इस तरह से निकल रहा है, ज़्यादा नहीं मैंने लिया है, सिर्फ 3 से 4 पंप मैंने इसे लिया। देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिए। अब मैं अपने हेयर्स को पार्टीशन करके और मैं इसे अप्लाई करती हूँ ताकि मुझे डिफरेंस मुझे खुद भी पता चले, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने जा रही हूँ। इस तरह से। और कोई भी सीरम को आप डायरेक्ट अपने रूट्स में कभी भी ना अप्लाई करें, मैं इसे बिल्कुल अपने टिप में यूज़ करने वाली हूँ, नीचे नीचे में। कोई भी सीरम हो, कितना भी अच्छा हो, बट उसे ऊपर यूज़ करना आई डोंट थिंक कि समझदारी का कोई भी काम हो, क्योंकि अपने बालों से खेलना बिल्कुल सही बात नहीं है। ये देखिए मैं इसे पूरे नीचे तक लगा रही हूँ। अब मैं देखूँगी झाड़ के कि फ्रिजीनेस है या नहीं, या बिल्कुल अच्छे से झड़ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक कोम नहीं किया अपने हेयर को। और बिल्कुल ही ऑनेस्टली मैं आपको बताऊंगी, अभी तो मैं कोई ऐसे सीरीज यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा हीट प्रोड्यूसिंग चीज़ को अपने बालों में यूज़ करना थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ, चाहे वो कर्लिंग हो या स्ट्रेटनिंग हो। मैं बहुत कम मात्रा में यूज़ करती हूँ, जब मुझे पार्टीज में जाना रहता है ना, बस तभी मैं इसे यूज़ करती हूँ, अगर मुझे कर्लिंग करना या स्ट्रेटनिंग करना हो, वरना मैं इसे अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ तक तो मेरा कोम बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ये देखिए बिना फंसे। एक मिनट, ये देखिए मैं आपको झाड़ के बता रही हूँ। ये देखिए मुझे लगता है काफ़ी स्मूथनिंग कर दिया, बिल्कुल भी बाल में एक भी लट नहीं, एक भी नॉट्स नहीं है बाल में। ये देखिए लास्ट में आ, देखिए इस जगह पे आके मेरे बाल रुके हैं, जिसे मैं आराम से निकाल सकती हूँ। ये देखिए अब मैं इस बाल को भी एक बार झाड़ के देख लेती हूँ क्योंकि इतना जल्दी डिफरेंस मुझे पता चल रहा है, पर मैं भी खुद सरप्राइजिंग हूँ। ये देखिए इसके आगे ही नहीं जा रहे बाल,
ये देखिए, इट इज नॉट गोइंग. मैं आपके साथ कोई भी फेक रिव्यू नहीं करूंगी. ये देखिए, आज मैंने फर्स्ट टाइम ही इसे यूज किया अपने बालों पे. ये देखिए, दोनों हेयर जिसे मैंने कोम नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट, मैं पापा बता दी, मैं शैम्पू क्यों मैं ऐसे ही छोड़ दी हूँ. और ये बाल देखिए, जिधर मैंने सीरम लगाया है नॉन स्टॉप एकदम जा रहा है. देखिए स्मूथ, लास्ट में थोड़ा सा रुका था बट अब तो वो भी नहीं रुक रहा. ये देखिए, और इस साइड देखिए, मैंने इसे इस साइड सीरम नहीं यूज़ किया, ये इसका क्या हाल है. ये देखिए, इस तरह से झाड़ू हो गए मेरे नीचे वाले बाल. मुझे इस साइड भी मैं सीरम यूज़ करती हूँ और फिर डिफरेंस देखती हूँ कि ये कैसा डिफरेंस बताता है, क्योंकि मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अभी तक बाल नहीं झाड़ा था. सो मैं इसके लिए भी ले रही हूँ थोड़ा सा. मैंने इधर दो ही पंप लिया है, देख रही हूँ अगर कम यूज़ करती हूँ तो वो सेम रिजल्ट आता है या नहीं आता है. मेरी ईयरिंग मेरे बालों में फंस जा रही है. अब मैं इसे अभी कॉम करके देखती हूँ. ओह रियली, ये देखिए यहाँ तक भी नहीं आ पा रही थी, बट यहाँ वाला एरिया में उतना वर्क नहीं किया, क्योंकि इस साइड मैंने ज़्यादा चार पंप मैंने यूज़ किया था, इधर मैंने दो पंप यूज़ किया, फिर भी मेरा पहले वाला बाल यहाँ आके बिल्कुल रुक जा रहा था, यहाँ भी नहीं आ रहा था. आई थिंक यहाँ आते आते बिल्कुल बहुत सारा यहाँ पे लट जमा हो गया था, बहुत सारे नॉट्स लग गए थे बाल में. अब ये देखिए यहाँ तक बिल्कुल स्मूथ आ रहा है. ये देखिए, बट ये जगह पर मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे एक्स्ट्रा अगर मैं यूज़ करती तो ये हो, ये भी बिल्कुल इस बाल के जैसा, ये भी बिल्कुल स्मूथ हो जाता, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. ये देखिए, काफ़ी स्मूथ और काफ़ी सिल्की जैसा कर दिया बाल को. मैं इसे थोड़ा सा कोम कर लेती हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो के साथ बने रहे. मैंने अपने इस साइड के हेयर को भी अच्छे से कोम कर लिया है. अब मुझे लगता काफ़ी स्मूथ कर दिया और काफ़ी बाउंसी लग रहा है. आप देख सकते हो मेरे बालों को. ये देखिए, मैं आपको एक बार पीछे करके अच्छे से दिखा देती हूँ. ये देखिए, मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं फंस रहा. ये देखिए, मेरे हाथ में एक भी बाल नहीं फंस रहा. इस साइड भी देख लीजिए, नॉट अ सिंगल हेयर इज कमिंग आउट. क्योंकि अब शैम्पू लगाने के बाद जब आप बाल को जब आप झाड़ते हो ना, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस उस टाइम होता है, इसलिए आप ड्राई हेयर को भी करिए. पर मैं ड्राई हेयर के बाद मुझे लगता कुछ बाल ऐसे कर दी थी, तो 3-4 बाल मेरे आराम से इसमें आ जाते थे, बट जब से मैंने ये सीरम लगाया एक भी बाल नहीं आ रहे. मैंने भी फर्स्ट टाइम इसे यूज़ किया, तो मैं तो बिल्कुल इसे हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ले सकते हैं. आप इसे पर्पल से भी ले सकते हैं, और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है, 100 ml का है. मुझे इसका प्राइस 400 समथिंग पड़ा था. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. इसका छोटा बोतल भी आता है, आप वो भी जाके ले सकते हैं, बट वो मुझे आई थिंक पर्पल में ही मिलेगा. मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप जाके उससे परचेस कर सकते हैं. आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके लिए अगर यूज़फुल होगा तो मुझे बताइएगा. और ये फ्लिपकार्ट से अगर आप इसे ले रहे हो ना, तो रिटर्न, इसके लिए रिटर्न पॉलिसी कुछ भी नहीं है, रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्लिपकार्ट से मेकअप एक्सेसरीज़ या फिर सीरम कुछ भी रिटर्न नहीं होता है. बट ये काफ़ी अच्छा है और मैं इसे हमेशा यूज़ कर सकती हूँ, नीचे में यूज़ करें. और ऐसा नहीं है कि आप तो हमेशा यूज़ नहीं कर सकते, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. और ये ऑयल बेस है, इसलिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी स्मूथ है एकदम. और लॉरियल का ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, और ये से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है लॉरियल का मैंने पहले भी शैम्पू यूज़ किया था तो काफ़ी यूज़फुल था, बट अब मैं इसे यूज़ नहीं करती. ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन ज़रूर करें. ओके, बाय, सी यू अगेन.